नमस्कार, मेरा नाम अयाना है और एस्ट्रो अयाना परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। ईश्वर की कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल कुशल पूर्वक है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा कुशल पूर्वक रहे। माता रानी आप सभी की जिंदगियों में ढेर सारी खुशियां दे, सुख दे, समृद्धि दे, अच्छी सेहत दे और आपकी ज़िंदगी की आने वाली हर मुश्किल को आसान करें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मैटर पर बात करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर बात करना ज़रूरी इसलिए है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और आप प्लीज़ वो चीज़ मत कीजिए। पहली बात तो किसी के बहकावे में, छलावे में आकर गुमराह मत होइए। और दूसरी चीज़ कि सच को अपनी नज़रों से परखिए, क्योंकि देखिए जब आप गुमराह होते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक गलत एग्जांपल, एक गलत इन्फ्लुएंसर को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपके खुद के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ज़रा बातों को और कड़ियों को समझा जाए। ठीक है, अगर आपने सुना होगा और अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो बात ये कही गई थी कि मेरे पास प्रूफ आ चुके हैं, ठीक है, एक्सीडेंट के। जब एक्सीडेंट के प्रूफ आपके पास आते हैं तो आप एक चीज़ को समझिए, मतलब आपके पास काइंड ऑफ एक पिक्चर आ जाता है। पिक्चर इन द सेंस, नॉट इन द फिज़िकल फॉर्म, बट एक ऐसा एविडेंस कि उसके बाद जब आप एक्चुअल लोकेशन पर, जहां पर घटना होती है, ठीक है, वहां पर आप जाते ही उस चीज़ को समझ सकते हैं कि अच्छा ये जगह है और यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, राइट? तो ऐसे कौन से प्रूफ थे कि हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाए कि एक्चुअल टिक्की वाला कौन सा था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक बात बड़ी चल रही थी कि इसे कांटेक्ट किया जा रहा था, उसे कांटेक्ट किया जा रहा था कि मुझे उसका नंबर चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे चैनल के थ्रू, मतलब मुझे किसी ने बताया था, तब जाकर मैंने जब वो चीज़ें देखी तो उनका कहना ये था कि भाई तुम्हारे पास फूफा जी का नंबर है तो तुम उनसे क्यों नहीं फैमिली का नंबर ले लेती या फैमिली में कम्युनिकेट कर लेती हो। जो कि ऑफकोर्स मैंने ये अपनी पहली वीडियो में कहा है कि आपके पास अगर वाकई में कुछ है तो आप सोशल मीडिया पर इस तरह का ढिंढोरा पीट कर आप जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें अलर्ट कर रही हो, व्हाई डोंट यू कम्युनिकेट विद द फैमिली। तो कल मैंने वहाँ एक कमेंट पढ़ा कि फूफा जी अपनी सगी बहू के नहीं हुए तो सपना के क्या होंगे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अगेन एक तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को उनकी फैमिली का वो साइड दिखाया जा रहा है जो कि दुनिया नहीं जानती और ऑफ कोर्स जो फैमिली दिखाना नहीं चाहती। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी को भी अपनी फैमिली लाइफ इस तरह से सोशल मीडिया पर लाना पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल इनको खुद को पूछ लीजिए, इफ़ यू आस्क एनीथिंग अबाउट हर, शी इज लाइक ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनल जा रहे हो, देन डोंट यू थिंक कि फूफा जी के और राजवीर की फैमिली के रिलेशंस कैसे है, क्या है क्या नहीं है, राइट? ये उनकी पर्सनल लाइफ है और ये वही फूफा जी है जिनकी रिकॉर्डिंग चला चला कर और जिनकी बातों से और जिनके साथ रो रो कर इनिशियल स्टेज में व्यूज बटोरे गए थे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें आपसे ये कहूँगी कि आपने अगर सुना होगा ध्यान से तो ये कहा गया था कि हम जा तो रहे हैं, अगर वो शिवपुरी के लिए नहीं निकले होंगे तो आज उनसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है,
मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करती कि ये वहाँ पर एक्चुअली गई थी या नहीं गई थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ एंड यू नो द इमेजिनेशन, द इल्यूजन वर्ल्ड जिसमें ये जीती है, ये बहुत डिफरेंट है। इन्हें वो चीज़ें दिखती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। मतलब कोई एक आधे केस में अगर हुआ होगा तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई यू नो यहाँ पर मे बी शायद मिस्टेक हो गई होगी, बट वी हैव अ लिस्ट, ठीक है, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन ये कहा गया था कि अगर वो नहीं निकले होंगे तो आप किसी के घर जा रहे हैं, ठीक है। मुझे बाकी जगह का नहीं पता, बट जैसे अगर हम मुंबई पुणे की बात करते हैं या इवन बाकी जगहों पर भी यही होता है कि जब आप किसी के घर जा रहे हो तो एज अ बेसिक एटिकेट आप उन्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हो, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ साइलेंट परमिशन कि हम आपके यहाँ आना चाह रहे हैं, क्या हम आपके यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल का लाइफ बहुत बिजी हो गया है, मोस्टली हस्बैंड वाइफ वर्किंग है या तो बच्चे के पीछे बिजी है, तो उनके टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो पाते। यूजुअली व्हेन दे हैव संडेज तो यू नो बिजी होते हैं, तो हम किसी को फ़ोन करके पूछते हैं, आप ऐसे ही किसी के यहाँ चले जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप खुद इस बात को सोचिए और समझिए कि आप दुख में हैं, आप बहुत दुख में हैं, आपसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड देन सडनली आपके यहाँ कोई अनजान आके अपना दुख व्यक्त करने लगता है। आपको समझ ही नहीं पड़ता कि भाई इस अनजान को मेरे से इतना लगाव क्यों है, ठीक है ना, इस अनजान को मुझसे सडनली इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों है, ठीक है। तो मतलब कोई भी फैमिली इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती है व्हेन अ अननोन पर्सन, अ स्ट्रेंजर वॉक इन, ठीक है। और मैं एक्चुअली ये अपील करना चाहूँगी कि किसी के लिए भी इट इज़ नॉट वेरी गुड टू वॉक इन देयर स्पेस, स्पेशली इस टाइम पर, क्योंकि उनके घर की सेफ्टी और सिक्योरिटी इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझिए, उनके घर में इस समय दो जवान लड़कियाँ, क्योंकि ऑफकोर्स सपना एंड अंशु इन द टीन एज, दो छोटी बच्चियाँ, एंड देर इज़ वन ओल्ड कपल जो कि सपना के सास ससुर है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से अगर वो किसी भी स्ट्रेंजर को एंटरटेन करते हैं, हम नहीं बता सकते कि वो आने वाला स्ट्रेंजर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि साधु के भेष में रावण आए थे, तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। और बाकी तो मैं यही कहूँगी कि एक तरह का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश करती है ये हर बार, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, इन्हें कोई राइट नहीं है। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या हमारा पुलिस प्रशासन ऐसा हो गया है कि आप फ़ोन करो और फिंगर टिप्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑफ़ कोर्स वी हैव यू नो मतलब बहुत तरक्की की है हमने हमारे काम करने की प्रक्रियाओं में, और बहुत सारी चीज़ें, आपको इमीडिएट हेल्पलाइन नंबर्स है, लोकेशन ट्रेस हो जाते हैं, सब कुछ। मगर ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी भी थाने में बैठ के आप किसी को भी फ़ोन करो और पूछो कि यहाँ पर ये हुआ, एंड यू गेट अ इन्फॉर्मेशन सो क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, राइट, कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन्स प्रोवाइड कराई जा रही है, इतनी स्पेशल सर्विसेज दी जा रही है। सेकंड पार्ट कि ऐसा जब किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कल को अगर कोई भी कुछ ऐसा यू नो गलत प्लान कर रहा है तो दे विल मेक श्योर
कि पहले वो गलत कुछ प्लान करे ताकि पुलिस का सारा ध्यान वहाँ चला जाए, एंड देन दे डू द एक्चुअल थिंग जो कि उन्होंने करनी है, राइट? आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी गई है हर तरह से, ठीक है? क्योंकि जब आपने फूफा जी वाला कॉल भी सुना होगा तो आपने कहीं उनसे ये नहीं सुना होगा कि क्या मैं आपकी रिकॉर्डिंग डाल दूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी बोला गया कि हाँ भाई मैंने परमिशन ली है, तो चलो इनकी परमिशन इनके तक, मगर आज वो फूफा जी भी गलत हो गए, ठीक है? एंड इस बात को अगर एक दूसरे नज़रिए से आप देखते हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि जब कभी जहाँ भी ऐसे गोलगप्पों की या टिक्की की या किसी भी चीज़ की रेडिया लगती है, जितनी जगह पे उनकी रेडी होती है पीछे का जगह वो कवर्ड करके रखते हैं अपना रॉ मटेरियल रखने के लिए, ठीक है? और आगे जो भी उनके खाने वाले होते हैं उनकी गाड़ियाँ रखी होती है, ठीक है? तो एनीवेज अननेसेसरी ट्रैफिक कियोस तो होता ही होता है, विच इज़ बैड, और जिससे इस तरह से हादसे होते हैं, तो इस बारे में बात करनी चाहिए, ना कि हर चीज़ को, मतलब देर कैन बी नेचुरल थिंग्स, राइट? क्योंकि पहले ये कहा था कि उस पर नंबर प्लेट नहीं थी, फिर कल कहा गया कि उसके ऊपर नंबर प्लेट है। अगर आप एक सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो अपने ही स्टेटमेंट्स में इतने फ्लक्चुएशंस है कि आप कहेंगे कि एग्जैक्टली था क्या, मतलब फूफा जी पहले अच्छे थे फिर बुरे बन गए, मतलब दो दिन में इंसान बदल जाएगा, या फूफा जी पहले से ही बुरे थे लेकिन सिर्फ इनके साथ अच्छे थे, राइट? फिर इनके पास डेथ की न्यूज़ आती है, फिर ये ग्रहों को काटने के लिए बिलीव करती है कि झूठी अफवाह फैलाई होगी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने बताया था आपको, ठीक है? एंड देन सडनली आई फील कि मुझे एक चीज़ है कि अगर द रॉट इतना बड़ा चैनल नहीं होता तो क्या सपना को इतना प्यार और अफेक्शन मिलता? क्योंकि इस बीच में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जो आपका दिल दहला देंगे। हल्द्वानी में एक केस हुआ है विच इज़ एग्जैक्ट केरला स्टोरी के ऊपर आप देख सकते हैं, क्यों बाकी सारी जगहों पे आवाज़ें नहीं उठ रही है? आवाज़ सिर्फ एक ही जगह पर उठ रही है, ऑन द फैमिली ऑफ द रॉट। रीज़न आप खुद जानते हैं, मगर आप जनता हैं और जनता सब जानती है, तो ज़रा आंखें खोलिए।